नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जी एस बाई नीरज में। जैसा कि हम लोग सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस हल कर रहे थे, तो इन क्वेश्चंस का लेवल क्या है, क्वेश्चंस रिपीट होने की संभावनाएं कितनी हैं, इन सारे तथ्यों पर भी बात करेंगे। बट आज हम लोग सबसे पहले क्वेश्चंस देखते हैं। ये लगभग 41 प्लस क्वेश्चनों का सेट है, तो इसे हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर एक, सबसे बड़ा फूल है। क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ध्यान रखें, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। सबसे बड़ा फूल, तो सबसे बड़ा फूल कौन सा है, तो रेफ्लेसिया। रेफ्लेसिया सबसे बड़ा पुष्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हवा में ध्वनि का वेग होता है, अक्सर लोगों को पता होगा 332 मीटर पर सेकंड हवा में ध्वनि का वेग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जल यानी शुद्ध जल का पीएच मान कितना होगा, तो अगर शुद्ध जल की बात करें तो शुद्ध जल कैसा होता है सभी को पता होगा, इसलिए इसका पीएच मान जो होगा 7 होगा। पीएच पैमाने पर 7 किसका मान होता है आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमोसेपियंस। होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांच का पीला रंग किस पदार्थ के कारण होता है, तो कांच का जो पीला रंग है वो है फेरिक ऑक्साइड के कारण। फेरिक ऑक्साइड के कारण कांच का पीला रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूप चश्मा के लेंसों में किस कांच का प्रयोग होता है, तो धूप चश्मा के लेंसों में क्रुक्स कांच का धूप चश्मा के लेंसों में क्रुक्स कांच का प्रयोग होगा। एक फैदम बराबर होता है, तो एक फैदम का मान बताना है कितने उसके बराबर होता है, तो 6 फीट के बराबर एक फैदम होता है। एक फैदम बराबर 6 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ताप पर सेल्सियस एवं फारेनहाइट पैमाने का तापमान समान होता है। फारेनहाइट और सेल्सियस की बात कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखें। तो किस तापमान पर सेल्सियस और फारेनहाइट बराबर होंगे, तो वो है -40 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, ध्यान रखें, -40 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीची का खाने योग्य भाग क्या है, तो लीची का खाने योग्य भाग क्या होगा, एरिल। लीची का खाने योग्य भाग एरिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटा फूल कौन सा है। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो सबसे छोटे फूल का नाम बताना है, वोल्फिया। सबसे छोटा, सबसे बड़ा फूल रेफ्लेसिया सबसे बड़ा फूल है। मलेरिया रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है, तो मलेरिया रोग में शरीर प्रभावित होगा, कौन सा अंग प्रभावित होगा मलेरिया में, तो होगा प्लीहा। प्लीहा सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है मलेरिया के रोगियों के। किस रोग के रोकथाम के लिए BCG का टीका लगाया जाता है, BCG का टीका TB के रोकथाम के लिए लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अश्वशक्ति बराबर होता है कितने जूल के या कितने वाट के बराबर होता है, एक अश्वशक्ति, तो 746 वाट यानी 746 वाट के बराबर होता है एक अश्वशक्ति, एक हार्स पावर बराबर 746 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एल्युमिनियम का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है, एल्युमिनियम का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है, तो बॉक्साइड इज द राइट आंसर, बॉक्साइड से एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव धातु तत्व कौन सा है, तो द्रव धातु तत्व कौन सा है ये आपको बताना है, तो पारा जो है वो द्रव धातु तत्व है। जबकि अगर बात करें द्रव अधातु तत्व कौन सा है, तो यहाँ ब्रोमीन हो जाएगी। अगर अधातु की बात की जाएगी ब्रोमीन, अगर द्रव धातु की बात की जाएगी पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव अधातु तत्व कौन सा है, तो यहाँ ब्रोमीन हो जाएगा राइट आंसर। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, एक न्यूटन किसके बराबर होता है, डाटा बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखें, तो एक न्यूटन 10^5 डाइन के बराबर होता है, 10^5 डाइन, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया रोग का प्रमुख कारक है, तो मलेरिया रोग का जो प्रमुख कारक है वो है प्लाज्मोडियम मलेरिया रोग का प्रमुख कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, तो पानी का अपवर्तनांक सभी को पता होगा 1.33, पानी का अपवर्तनांक 1.33। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी का आविष्कारक कौन है, तो हापरकिंस ने विटामिन डी जो सूर्य की रोशनी प्राप्त होता है वो उसका आविष्कारक है, हापरकिंस विटामिन डी के आविष्कारक। हल्दी में पीला रंग किसके कारण होता है, तो ये लवणक पाया जाता है या लवक कहा जाता है उसे, तो वो पीला रंग का कारण होता है। तो हल्दी में जो पीले रंग का कारण है कुरकुमिन के कारण हल्दी में पीला रंग पाया जाता है। गैसों में गैस का उदाहरण है, तो गैसों में गैस का जो उदाहरण है वो वायु है, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो बदलेगा वो है डायनमो। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है, फिजिक्स का इंपॉर्टेंट डाटा। सेरिकल्चर किससे संबंधित है, तो सेरिकल्चर जो है रेशम उत्पादन से संबंधित है। ये भी पॉपुलर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हृदय में विकार का पता लगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो हृदय में अगर विकार की पता को लगाया जाए तो ECG परीक्षण करा लिया जाए, उससे सारे पता चल जाएंगे कि हृदय में कौन सा विकार उत्पन्न हुआ है ECG के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, खैरो रोग का संबंध किससे है, तो खैरो रोग कहाँ फैलता है, धान में अक्सर फैलता है, ध्यान रखें, धान की फसल भी इस समय लगी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, केल्विन स्केल पर कमरे का सामान्य तापमान होता है, तो केल्विन जो स्केल है उस पर अगर कमरे के सामान्य तापमान की बात करेंगे तो 300 केल्विन आएगा, कमरे का सामान्य तापमान 300 केल्विन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दूध में जो अम्ल पाया जाएगा वो लैक्टिक अम्ल पाया जाएगा, कैसीन टेम्पाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अदिश राशि है, तो अदिश राशि विद्युत धारा यहाँ पे आएगी, अदिश विद्युत धारा, यहाँ पे दिशा की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, टेटनेस रोग किसे कारण होता है, तो टेटनेस जो है वो बैक्टीरिया के कारण होगा, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड निर्वात में प्रकाश की चाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण बातचीत की तीव्रता डेसिबल में कितनी होती है, तो होती है 30 से 40 डेसिबल साधारण बातचीत की तीव्रता है। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है, अगर साधारण जल की बात करते हैं 7 होता है, तो समुद्री जल का पीएच मान कितना होगा, 8.4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलियो रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है, तो पोलियो में जो प्रभावित होता है वो तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, ध्यान रखें, पोलियो रोग में तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं में खाने योग्य भाग कौन सा है, तो गेहूं का जो खाने योग्य भाग है वो कहलाता है भ्रूणपोष, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अम्ल का उपयोग शीशा संचायक बैटरी में किया जाता है, तो शीशा संचायक बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाएगा, बैटरी सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारा का निम्नतम हिमांक कितना है, तो पारा का जो निम्नतम हिमांक है वो -39 डिग्री सेंटीग्रेड हिमांक है पारा का, ध्यान रखें। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है, तो केल्विन के लगभग 373 केल्विन पे जल उबलने लगता है, क्योंकि सामान्य केल्विन पे तापमान जो है कमरे का तापमान 300 केल्विन होता है, अगर उबलने की बात करते हैं 373 केल्विन पे जल उबलने लगता है। जल का क्वथनांक डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है, जल का जो तापमानक है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है डिग्री सेंटीग्रेड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस रंग की सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य होती है, तो सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य किसका है, लाल रंग का, सबसे कम बैंगनी का। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, सूर्य प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो है बैंगनी कलर। इन क्वेश्चंस में आपके कितने क्वेश्चंस सही गए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल के साथ अगर नए जुड़े हैं बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि ऐसे ही तमाम MCQ टाइप के क्वेश्चंस हम आपको दिलाते रहेंगे, जो कि SSC UPSI और लोअर PCS NTPC रेलवे में लाभकारी सिद्ध होंगे। इसी के साथ धन्यवाद।